चिका पाची का छुई मुई छुई। हेलो फ्रेंड्स, हम इतने दिनों से एबीसीडी पढ़ रहे हैं, देखता हूँ आपको कितनी याद हुई। आज मेरी फ्रेंड किटी आई है, या किटी आज हमारे साथ खेलेगी और तुम्हारा टेस्ट भी लेगी। और आज हमारे साथ कोई और भी है, गेस करो कौन होगा, सोचो सोचो। आज आपके सुपर हीरो हमारे साथ है, मोटू और पतलू, लेकिन हम उनके साथ खेलेंगे नहीं, बल्कि इन दोनों को हम पिंजरे के अंदर डाल देंगे। और इन दोनों को पिंजरे के अंदर से निकालने की जवाबदारी आपकी है। अगर मोटू पतलू को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। वैसे तो यह एक खेल है, लेकिन आप अपने सुपर हीरो को कुछ होने तो नहीं दोगे ना? अरे बाप रे, यहाँ तो एक स्नेक भी आ गया। मुझे भी देखना है कि आप अपने बच्चों को कैसा पढ़ाते हो। इतने दिनों से एबीसीडी पढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या वह सही पिक्चर्स के नाम बता पाएंगे या नहीं। अगर आपके बच्चे सही जवाब नहीं दे पाए तो मैं मोटू पतलू को डस लूंगा और तुमको भी खा जाऊंगा। अरे स्नेक भैया, यह कंपटीशन तो मोटू पतलू और बच्चों के बीच में है। हम तो मोटू पतलू को बस यूं ही पिंजरे में डाल दिया था ताकि बच्चे मजा ले सकें। पर अब मैं आ गया हूं ना, मैं मोटू पतलू को ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब इस कंपटीशन में मैं भी मजा लूंगा। अगर बच्चों ने ज्यादा गलत जवाब दिए तो आज मोटू पतलू की जान गई, मुझे बहुत मजा आएगा। बच्चों, आज मोटू पतलू की जान तुम्हारे हाथों में है, प्लीज आप सही जवाब देना। टास्क यह है कि आपके सामने कुछ पिक्चर्स दे रखी होगी, आपको बताना है कि अल्फाबेट वाइज करेक्ट पिक्चर्स कौन सी है, कौन सी पिक्चर्स का नाम उस अल्फाबेट लेटर से शुरू होता है। चलो अब हम गेम शुरू करते हैं। चलो बताइए, ए फोर क्या होता है? ए फोर वंपायर, ए फोर ऑरेंज या ए फोर आंट? चलो हम वंपायर को ए के पास लाकर देखते हैं। ए फोर वंपायर नहीं, ऑरेंज बिल्कुल नहीं। अब बच्चे ये आंट, हम आंट को लाते हैं। ए फोर आंट, ये बिल्कुल सही। चलो अब हम देखते हैं बी फोर क्या होता है। बी फोर निंजा, बी फोर स्टार, बी फोर बैग। क्या बी फोर निंजा होता है? चलो निंजा को बी के पास लाकर देखते हैं। नहीं, बी फोर स्टार। चलो स्टार को हम बी के पास लेकर आते हैं। नहीं, बी फोर बैग, बैग को लेकर आते हैं। ये बिल्कुल सही, बी फोर बैग। सी फोर क्या होगा? सी फोर कैमल, सी फोर एंगलर फिश, सी फोर बी। चलो हम कैमल को सी के पास लाकर देखते हैं। सी फोर कैमल, ये बिल्कुल सही, सी फोर कैमल। डी फोर क्या होता है? आपको पता है डी फोर होता है डॉग, लेकिन फिर भी हम खेलेंगे। चलो हम मून को लेकर आते हैं डी के पास। क्या डी फोर मून होता है? नहीं। क्या डी फोर जेम होता है? नहीं, डी फोर होता है डॉग, डी फोर डॉग। अब डी के बाद आता है ई, और ई फोर होती है क्या? आइसक्रीम, वंपायर या एलिफेंट? चलो हम आइसक्रीम को ई के पास लाते हैं। ई फोर आइसक्रीम, नहीं, आई फोर आइसक्रीम होता है। ई फोर वंपायर, नहीं, वी फोर वंपायर होता है। तो फिर ई फोर क्या होगा? चलो एलिफेंट ला कर देखते हैं। ई फोर होता है एलिफेंट, बिल्कुल सही। अब हमारे पास है फ्रॉग, आंट और एक चाइनीज डॉल।
तो चलो हम एफ के पास लाते हैं। किसे लाए? डॉल को। चलो हम डॉल को एफ के पास लाते हैं। क्या एफ फॉर डॉल होता है? नहीं। चलो हम फ्रॉग को लाकर देखते हैं। क्या एफ फॉर फ्रॉग होता है? बिल्कुल सही, एफ फॉर होता है फ्रॉग। एफ फॉर फ्रॉग, फ्रॉग 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 फ्रॉग। अब हमारे पास है एक बेट, एक ट्रेन और एक गोरिल्ला। जी फोर क्या होता है? बेट। चलो बेट को लाकर देखते हैं जी के पास। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ट्रेन की स्पेलिंग जी से शुरू होती है? चलो ट्रेन को जी के पास लाकर देखते हैं। नहीं, जी फोर ट्रेन नहीं होती। चलो गोरिल्ला को लाकर देखते हैं आप। जी फोर गोरिल्ला। बिल्कुल सही, जी फोर गोरिल्ला। जी के बाद आता है एच, तो एच फोर क्या होता है? फ्रॉग। चलो फ्रॉग को लाकर देखते हैं। नहीं, बेबी। नहीं, एच फोर हॉर्स। बिल्कुल सही, एच फोर होता है हॉर्स। एच फोर हॉर्स। एच के बाद क्या आता है? अब यहाँ आप बताओगे। क्या बोले? बिल्कुल सही, एच के बाद आता है आई। और हमारे पास है सन, फेरी और आइसक्रीम। तो क्या आई फॉर सन होता है? नहीं, एच फॉर सन होता है। तो क्या आई फॉर फेरी होता है? बिल्कुल नहीं, एच फॉर फेरी होता है। तो फिर क्या होता है? चलो आइसक्रीम को लाकर देखते हैं। आई फोर होता है आइसक्रीम। आई फोर आइसक्रीम। आई के बाद होता है जे, और जे फोर क्या होता है? क्या जे फोर जेलीफिश होता है? चलो हम जेलीफिश को जे के पास लाके देखते हैं। बिल्कुल सही, जे फोर होता है जेलीफिश। फिर ये एलिगेटर और पेंसिल किस काम के हैं? चलो एक बार एलिगेटर को भी जे के पास लाते हैं। अरे यह तो फिर चला गया, क्योंकि ए फॉर एलिगेटर होता है और पेंसिल पी फॉर पेंसिल। अब आया है हमारे पास ईयरिंग, टॉयज और कंगारू। के फॉर क्या होता है? चलो हम ईयरिंग्स को के के पास लेकर आते हैं। क्या के फॉर ईयरिंग्स होते हैं? नहीं, हम टॉयज को लाकर देखते हैं। क्या के फोर टॉयज होते हैं? नहीं, टी फोर टॉयज होते हैं। तो अब क्या बचा हमारे पास? कंगारू। क्या के फोर कंगारू होता है? चलो कंगारू को हम के के पास लेकर आते हैं। के फोर कंगारू। बिल्कुल सही। अब हमारे पास आई एक वीच और एक है लेडी बैग और है लैंप। क्या अब बता सकते हो कि एल फोर क्या होता है? विच, लेडी बग। बिल्कुल सही, एल फोर होता है लेडी बग। एल के बाद आता है अब एम, और एम फोर होता है क्या? एम फोर सोफा होता है या एम फोर वुल्फ होता है? एम फोर मून होता है। आप ही बताओ एम फोर क्या होता है? चलो हम मून को सोफे के पास लेकर आते हैं। क्या एम फोर मून होता है? बिल्कुल सही, एम फोर मून। एम के बाद आता है अब एम, और एम फोर क्या होता है? सूज, क्राउन या निंजा। चलो हम सूज को एम के पास लाते हैं। नहीं, एम फोर सूज नहीं होता, एस फोर सूज होता है। चलो अब क्राउन को एम के पास लाते हैं। क्या एम फोर क्राउन होता है? नहीं, सी फोर क्राउन होता है। तो फिर एम फोर क्या होगा? निंजा। चलो निंजा को एम के पास लेकर आते हैं। बिल्कुल सही, एम फोर होता है निंजा। एम के बाद आता है ओ, और ओ फोर क्या होगा? इंकपॉट। चलो इंकपॉट को ओ के पास लेकर आते हैं। नहीं, ओ फोर इंकपॉट नहीं होता, आई फोर इंकपॉट होता है।
तो चलो हम स्पाइडर को लाके देखते हैं। क्या O4 स्पाइडर होता है? O4 स्पाइडर नहीं होता, S4 स्पाइडर होता है। तो फिर O4 क्या होता है? ऑक्टोपस। चलो हम एक बार ऑक्टोपस को लाते हैं। ऑक्टोपस, बिल्कुल सही, O4 होता है ऑक्टोपस। O के बाद आता है अब P, और P4 क्या होता है? पांडा या स्टार या फिर फ्लावर। चलो हम पांडा को पी के पास लाकर देखते हैं। क्या P4 पांडा होता है? बिल्कुल सही, P4 पांडा होता है। चलो एक बार स्टार को भी हम पी के पास लाते हैं। क्या P4 स्टार भी होता है? नहीं, स्टार तो पी के पास नहीं रह रहा। फ्लावर, वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि P4 तो पांडा होता है। P4 पांडा। पी के बाद आता है अब क्यू, और Q4 होता है क्या? चलो हम डॉग को लेकर आते हैं। क्या Q4 डॉग होता है? नहीं, Q4 डॉग नहीं होता, वो तो D4 डॉग होता है। तो क्या Q4 क्वीन होता है? चलो हम क्वीन को क्यू के पास लेकर आते हैं। बिल्कुल सही, Q4 होता है क्वीन। और क्या Q4 मैजिशियन होता है? एक बार लाकर देखते हैं। नहीं, Q4 मैजिशियन कहाँ से होगा, M4 मैजिशियन होता है। क्यू के बाद क्या आता है? क्या आप जवाब बताओगे? बिल्कुल सही, क्यू के बाद आता है R, और R4 क्या होता है? डॉल, पांडा या रेबिट। चलो हम डॉल को R के पास लाकर देखते हैं। क्या R4 डॉल होता है? R4 डॉल नहीं होता। तो क्या R4 पांडा होता है? क्या बोले? रेबिट। चलो हम रेबिट को आपके पास लाकर देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब, R4 होता है रेबिट। आपने बिल्कुल सही बताया। R के बाद आता है अब S, और S4 स्पाइडर, S4 मैंगो या S4 फ्लावर पॉट। बताओ क्या होगा S4? बिल्कुल, S4 स्पाइडर। चलो हम स्पाइडर को S के पास लाते हैं। ये तो इससे बिल्कुल मैच हो गया। S के बाद क्या आता है बताओ? क्या T? बिल्कुल सही, S के बाद आता है T। तो बताओ T4 क्या होता? बेबी। नहीं, चलो हम बेबी को टी के पास लाकर देखते हैं एक बार। अरे बेबी तो रोने लगा। वैसे T4 बेबी होता ही नहीं है। चलो हम बेबी को उसकी जगह पहुंचा देते हैं। क्या T4 वाटरमेलन होता है? चलो वाटरमेलन को लाते हैं। नहीं, ये भी गलत। चलो अब हमारे पास है ट्रेन, हम ट्रेन को टी के पास लाते हैं। ये से बिल्कुल परफेक्ट मैच हुआ है। T4 होता है ट्रेन। ये बेबी ट्रेन पर बैठना एंजॉय करेगा। चिक 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 चिक। ओ, अब ये क्या है? U4 क्या होता है? नाइन, निंजा या यूनिकॉर्न। चलो नाइन को यू के पास लेकर आते हैं। U49 नहीं होता, N49 होता है। तो फिर क्या निंजा होता है? नहीं, N4 निंजा होता है। क्या? बिल्कुल सही बोले, U4 होता है यूनिकॉर्न। U4 यूनिकॉर्न। यू के बाद क्या आता है? यू के बाद आता है सही, वी। यू के बाद आता है वी, और V4 क्या होता है? सूज, कैमल या वेजिटेबल्स। चलो हम सूज को लेकर आते हैं। V4 सूज नहीं होता, S4 सूज होता है। तो फिर क्या? वेजिटेबल्स। बिल्कुल सही, V4 होता है वेजिटेबल्स। चलो हम वेजिटेबल्स को V के पास लाकर देखते हैं। ये बिल्कुल सही। V के बाद आता है W, और W4 क्या होगा? वेल, जेलीफिश या डंकी।
क्या डंकी? नहीं, चलो आपकी खुशी के लिए हम डंकी को डब्ल्यू के पास लेकर आते हैं। देखो डब्ल्यू फॉर डंकी नहीं होता तो चलो हम व्हेल को लेकर आते हैं। क्या डब्ल्यू फॉर व्हेल होता है? ये डब्ल्यू फॉर व्हेल, डब्ल्यू फॉर व्हेल। अब आया है हमारे पास एक्स, और एक्स फॉर क्या होता है? एग, गिफ्ट या एक्समस ट्री। चलो हम एग को एक्स के पास लाकर देखते हैं, क्या यह इससे सेटिस्फाई होता है? नहीं, एक्स फॉर एग नहीं होता, ई फॉर एग होता है। तो फिर क्या गिफ्ट होता है? चलो हम गिफ्ट बॉक्स को लाकर देखते हैं। नहीं, जी फॉर गिफ्ट बॉक्स होता है। तो फिर क्या एक्स फॉर एक्समस ट्री होता है? चलो हम एक्समस ट्री को लाकर देखते हैं। ये एक्स फॉर होता है एक्समस ट्री, एक्स फॉर एक्समस ट्री। एक्स के बाद आता है क्या बताओ? अरे जेट नहीं आता, एक्स के बाद आता है वाई, वाई फॉर। वाई फॉर क्या होता है? नेकलेस या फेरी। चलो हम नेकलेस को वाई के पास लाकर देते हैं, क्या वाई फॉर नेकलेस होता है? चलो याक को लाकर देखते हैं, क्या वाई फॉर याक होता है? यस, वाई फॉर होता है याक। और फिर फेरी, एफ फॉर होता है फेरी। अब यह है अल्फाबेट का लास्ट लेटर जेट, और जेट फॉर क्या होता है? क्या होता है बताओ? पेंगुइन, फिश या ज़ॉम्बी। चलो हम पेंगुइन को लाकर देखते हैं, क्या जेड फॉर पेंगुइन होता है? पी फॉर पेंगुइन होता है। तो क्या फिश होता है? एफ फॉर फिश होता है। तो क्या ज़ॉम्बी होता है? चलो हम ज़ॉम्बी को जेड के पास लाकर देखते हैं, क्या जेड फॉर ज़ॉम्बी होता है? नहीं, क्या बिल्कुल सही, जेड फॉर होता है ज़ॉम्बी। वारे अंडे, तुम तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। ऐसे खेल खिला खिला के मुझको तो मजा आ गया, और तुम्हारे बच्चों ने भी बहुत अच्छे से जवाब दिए। वैसे मैं भी मजाक कर रहा था, मैं मोटू पतलू को नहीं डसूंगा, मैं तो मजे लेने के लिए आया था। अब मैं जा रहा हूँ, सभी बच्चों को बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे अंडे भैया को सपोर्ट करना। हाँ दोस्तों, हम मोटू पतलू भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।